गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोय आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 14 को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से टेक्स्ट बुक में हम फिलहाल चैप्टर नंबर 14 पर हैं। वर्कबुक हमने चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट कर दी है, क्वेश्चन आंसर भी हमने कर दिए हैं, राइटिंग स्किल, ग्रामेटिकल पोर्शन, सारी चीज़ें हम लगभग कवर कर चुके हैं। आपने यदि हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लास ट्वेल्थ टेक्स्ट बुक इंग्लिश में चैप्टर नंबर 14 है, इंडिया विजन 2020, मतलब भारत परिदृश्य 2020। ये जो लिखा गया है ना, इसके जो राइटर कह सकते हैं वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उन्होंने विजन 2020 देखा था, है ना, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं कि युवा वर्ग किस प्रकार से हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है, किस प्रकार से हमें प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हम इंडिया को एक नई दिशा दे सकें, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोटेशन पढ़ते हैं, कोटेशन पढ़ने के बाद में हमें थोड़ी सी इसकी थीम पता चल जाएगी कि आखिर इस लेसन में है क्या। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, योजना का महत्व क्या है। हाउ कैन सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प द नेशन, आत्मविश्वास राष्ट्र की किस प्रकार से मदद कर सकता है। तो आत्मविश्वास किसके अंदर रहता है, आत्मविश्वास हमारे अंदर रहता है, है ना। जो भारत की जो जनता है, देश की जो जनता रहती है, वही मुख्य बिंदु रहता है। और हम में यदि कॉन्फिडेंस रहेगा तो हम हमारे राष्ट्र की भी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जो बात कही गई है वो हमारे देश की इंडस्ट्रीज और युवा वर्ग के ऊपर कही गई है। तो चलिए प्रयास करते हैं, है ना। उन्होंने विज़न 2020 देखा, तो वही विज़न 2020 में कौन कौन सी बिंदुओं को उन्होंने रखा कि ये चीज़ें होनी चाहिए और हमारी प्लानिंग किस प्रकार से होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैन द कंट्री बी गियर्ड अप टू एक्शन टू रियलाइज़ द न्यू विज़न फॉर इंडिया 2020। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है गियर अप। गियर अप का अर्थ होता है तैयार करना, सक्षम बनाना। तो ये कह रहे हैं कि क्या भारत विज़न 2020 के लिए तैयार है, या हम भारत को विज़न 2020 के लिए तैयार कर सकते हैं। पीपल मे आस्क व्हाई वी थिंक दैट देयर विल बी एक्शन नाउ। कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या अब कुछ करने का समय आ गया है, तो देखते हैं। व्हेन अर्लियर देयर वाज ए रिलेटिवली स्लैक पीरियड, जबकि या जब जिस समय स्लैक पीरियड था, स्लैक का अर्थ होता है मंदा या सुस्त, है ना, मंदी कह सकते हैं, है ना। तो जब मंदी का समय था, व्हेन डेवलपमेंट वाज नॉट रैपिड, और विकास अच्छे से नहीं हो रहा था, रैपिड तेज़ी से नहीं हो रहा था, द एंसर, इसका उत्तर यह है, वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, लाइज इन appreciating that a large part of our population is young and raring for change। यहाँ पर एक वर्ड आया है raring। raring का अर्थ होता है उत्सुक या उतावला, मतलब कुछ करने के लिए, कुछ परिवर्तन करने के लिए उतावला होना या उत्सुक होना। तो वो कह रहे हैं कि इन सब का उत्तर मैं ये इन शब्दों में दे रहा हूँ कि हमारे देश की या हमारे देश के जो युवा वर्ग हैं, यंग जनरेशन हैं, वो क्या है, raring है, कुछ परिवर्तन करने के लिए उतावली हैं। द मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ आर हिस्ट्री फॉर देम, और उनके चूके हुए मौके, मिस्ड मतलब चूक होना, अपॉर्चुनिटी मतलब मौके, तो जो युवा वर्ग के चूके हुए मौके हैं वो इतिहास बन चुके हैं, मतलब इतिहास में, भूतकाल में चले गए हैं। आल्सो टुडे देर आर सम इंस्पायरिंग मॉडल्स ऑफ इंडिया, मॉडल्स ऑफ मेड इन इंडिया इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। यदि हम भारत के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें भी हमारे लिए बहुत से प्रेरणादायक स्रोत हैं या मॉडल्स हैं मेड इन इंडिया के थ्रू। अगला है, वर्ल्ड टुडे इज ए वेरी डिफरेंट प्लेस फ्रॉम व्हाट इट वाज, पूरी दुनिया अब परिवर्तित हो चुकी है, जैसे कि पहले थी उससे परिवर्तित हो चुकी है ना। फॉर ए स्टार्ट, किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए यदि हम बात करें, इंडियन इंडस्ट्री इज़ नो लॉन्गर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एज इट यूज्ड टू बी आफ्टर इंडिपेंडेंस। यदि हम भारतीय स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो इंडियन इंडस्ट्री इज़ नो लॉन्गर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब भारतीय शासन द्वारा ये कंट्रोल्ड नहीं थी, है ना। यूज्ड टू का प्रयोग होता है भूतकाल में,
जो आदतें हैं या जो कार्य हुए हैं उनको दर्शाने के लिए है। आगे यूज्ड टू का प्रयोग होता है। व्हेन पीपल रिक्वायर्ड लाइसेंस एंड परमिट्स टू लॉन्च ए न्यू वेंचर्स, तो वो कह रहे हैं कि उस समय जब भारत की इंडस्ट्रियां जो थी, फैक्ट्रियां वगैरह कह सकते हैं, है ना, उद्योग धंधे थे, वो भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं थे, तो उस समय क्या दिक्कतें थी। व्हेन पीपल रिक्वायर्ड लाइसेंस, जब कोई व्यक्ति कोई नया उद्यम या कोई नई कंपनी खोलना चाहता था तो उसके लाइसेंस, उसको लाइसेंस और परमिट की आवश्यकता होती थी। यहाँ पर वर्चुअल्स पर एक नंबर डाला हुआ है, वेंचर्स पर एक नंबर डाला हुआ है। इसका अर्थ होता है, देखिए मैं बता देता हूँ, इसका अर्थ होता है जोखिम उठाना। क्या अर्थ होता है? जोखिम उठाना, है ना। स्पेशली उस जगह पर जब हम कोई नया उद्योग या धंधा खोलने का या कंपनी खोलने का प्रयास करते हैं, देखो, ए बिजनेस प्रोजेक्ट आर एक्टिविटी स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्क, जब हमें जोखिम उठाना होता है, तो शाब्दिक रूप से यदि इसका अर्थ देखा जाए तो वो जोखिम उठाना होता है। आगे देखते हैं, एज ए रिजल्ट, परिणाम क्या हुए, इंडियन कंपनीज कुड नॉट कम्प्लीट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, भारतीय कंपनियाँ जो हैं विश्वभर में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो पाई। किस वजह से? क्योंकि उनको कंट्रोल दूसरे व्यक्ति करते थे। एंड एट सम लेवल दिस लीड टू ए लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इसकी वजह से हमारा जो आत्मविश्वास है वह भी गिरा। टूडेज इंडियंस नो दैट वी हैव लॉन्च्ड आवर ओन मिसाइल्स, आज हर भारतीय जानते हैं कि हम हमारी स्वयं की मिसाइल्स लॉन्च कर चुके हैं। आवर IT कंपनीज एंड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और IT कंपनियाँ, मतलब IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की कंपनियाँ, है ना, ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर, है ना, जैसे ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट की बात करें तो उनके निर्माण में भी दुनिया भर में हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो बेस्ट हैं। एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज शोरिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यहाँ पर एक वर्ड है सोरिंग, सोरिंग का अर्थ होता है ऊंची उड़ान उड़ना, या प्रोडक्शन की जो कीमत है वह तेज गति से ऊपर उठना, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो भी सोरिंग कर रहा है। आवर फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज आर कैप्चरिंग वर्ल्ड मार्केट्स एंड आर सेट टू इन्वेंट न्यू ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल का अर्थ होता है औषधि या दवाइयाँ संबंधित, फार्मास्यूटिकल मीन्स औषधि निर्माण संबंधित, जो भी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कैप्चरिंग वर्ल्ड मार्केट, पूरे विश्व भर के बाज़ार को कैप्चरिंग कर चुकी है, एंड आर सेट टू इन्वेंट न्यू ड्रग्स, और नई नई औषधियों का आविष्कार करने के लिए तैयार है। इंडियन प्रोफेशनल्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर अचीवमेंट्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और भारतीय जो प्रोफेशनल हैं वह भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू अनलिस पीपल, है ना, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, और जो यांत्रिकी है मींस टेक्नोलॉजी है वह भी बहुत से मौके हमारे लिए निकाल रही है, छोड़ रही है। यहाँ पर एक वर्ड आया है अनलीस, अनलीस का अर्थ होता है निकालना या बंधन मुक्त करना, है ना, तो बहुत से मौके युवाओं के लिए दे रही है। एंड टुडे मैनी यंगस्टर्स आर प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ वर्क, और आज के दिनों में हमारे जो युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स मीन्स युवा, वह नए क्षेत्रों में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। एक्सप्लोर का अर्थ होता है खोज करना, है ना, या फिर छानबीन करना, तो नए नए क्षेत्रों में नए नए कार्यों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं या नई नई खोज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, द एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन टेलीविज़न, है ना, टेलीविज़न की जो विस्फोटक विकास हुआ है, थैंक्स प्राइमरली टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और सैटेलाइट के द्वारा या सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इसका धन्यवाद देना चाहिए, है ना, उसकी वजह से टेलीविज़न का विस्फोट हुआ है या टेलीविज़न में एक्सप्लोजिव हुआ है। एक्सपोजेस पीपल टू रियलिटीज एग्जिस्टिंग एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, मतलब एक देश से दूसरे देश की, एक राज्य से दूसरे राज्य की जो जानकारियाँ हैं वह हमें उसके द्वारा ही पता चलती है। एक्सपोज का अर्थ होता है उजागर होना, खुलासा होना। वाई नॉट इन इंडिया, आखिर भारत में ऐसा क्यों नहीं है, ना, इज़ ए नेचुरल क्वेश्चंस विच अराइजेस इन द माइंड्स ऑफ व्यूअर्स, जो भी टेलीविज़न वगैरह को देखते हैं तो क्या ये सैटेलाइट्स वगैरह हमारे भारत में आखिर क्यों नहीं हैं,
इस प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। देर आर ऑफ कोर्स पीपल हु आर पेसिमिस्टिक, यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसका अर्थ होता है निराशावादी। क्या अर्थ होता है? निराशावादी। इंग्लिश टू इंग्लिश यदि इसकी डेफिनेशन देखें तो देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यदि पूछते हैं तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही पूछते हैं। ऑलवेज एक्सपेक्टिंग बैड थिंग्स टू हैपन, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा यह सोचता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, उस व्यक्ति को हम निराशावादी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो थिंकिंग रखते हैं वो पेसिमिस्टिक व्यक्ति कहलाते हैं। एंड से दैट इंडिया कांट इम्प्रूव बिकॉज ऑफ परसीव करप्शन, और इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, और कैसे व्यक्ति हैं, परसीव करप्शन, यहाँ पर इस पर फोन नंबर डाला हुआ, इसका अर्थ होता है व्यापक या सर्वव्यापी। भारत में यूँ भी कहा जाता है कि करप्शन जो है, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है, माइंडलेस ब्यूरोक्रेसी एंड ग्रीडी पॉलिटिशियन, यहाँ पर एक वर्ड आया है ब्यूरोक्रेसी, इसका अर्थ होता है नौकरशाही या अधिकार वर्ग, अधिकारी वर्ग। क्या अर्थ होता है? नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी मतलब। ग्रीडी पॉलिटिशियन, ग्रीडी मतलब लालची, राजनीतिक। बट देर आर ऑल्सो पीपल हु वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर बिकॉज द पोस्ट लिबरलाइजेशन इकोनॉमी हैज़ गिवन देम द अपॉर्चुनिटी। इसके बावजूद भी बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि पोस्ट लिबरलाइजेशन इकोनॉमी हैज़ गिवन देम द अपॉर्चुनिटी। पोस्ट लिबरलाइजेशन, इसका अर्थ होता है उदारीकरण के बाद। उदारीकरण एक इकोनॉमिक्स का वर्ड है, अर्थशास्त्र की भाषा में, है ना। तो पोस्ट लिबरलाइजेशन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत सी मौके दिए हैं। आगे विज़न क्या है, तो विज़न 2020 आखिर है क्या, उसके कुछ मुख्य मुख्य बिंदु दिए गए हैं, तो उनको देखते हैं। दिस इज़ व्हाट वी वांट, यह वह है जो हम चाहते हैं एज ए नेशन, एक राष्ट्र के रूप में, टू अचीव बाय 2020, है ना। विज़न 2020 की तक हमें ये चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए, दृश्य उनका जो है वो। इंडिया विल बी डेवलप्ड नेशन, भारत एक डेवलप्ड, है ना, विकसित देश होगा। अभी क्या है? विकासशील देश है। अगला है, दूसरा पॉइंट है, इंडिया विल बी वन ऑफ द फाइव बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर। भारत अर्थ शक्ति के रूप में, मतलब अर्थ पावर के रूप में, है ना, इकोनॉमिक पावर के रूप में टॉप फाइव देशों में सम्मिलित होगा। हैविंग सेल्फ रिलायंस इन नेशनल सिक्योरिटी, भारतीय सुरक्षा में सेल्फ रिलायंस होगा, आत्मनिर्भर होगा, आत्मविश्वासी होगा। एंड ए स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोरम्स, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फोरम में भी यह मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। यहाँ पर एक वर्ड आया है फोरम। फोरम जो है, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है एक ऐसा मंच या एक ऐसी सभा जहाँ पर विचारों पर बहस हो सके, विचारों का आदान प्रदान हो सके। जैसे कह सकते हैं हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा होती है, उसी प्रकार से उस मंच को या उस स्थान को फोरम कहते हैं। अगला है, एग्रीकल्चर वुड हैव बिकम वेरी रिमनरेटिव टू फार्मर्स विद सक्सेस ऑफ द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशनरी। यहाँ पर एक वर्ड आया है रिमनरेटिव, इसका जो अर्थ होता है वो होता है पारिश्रमिक प्रदत्त, है ना। पारिश्रमिक क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसको उसके बदले में हम उसका उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह या जो भी वो परिश्रम करता है उसका फल देते हैं, है ना, उसको बोलते हैं रिमनरेटिव। तो एग्रीकल्चर वुड हैव बिकम वेरी रिमनरेटिव टू फार्मर्स, खेती या कृषि जो है वह किसानों के लिए रिमनरेटिव हो चुकी है, बहुत रिमनरेटिव हो चुकी है। तो इस पर फाइव नंबर डाला हुआ है, तो देखते हैं इसका इंग्लिश टू इंग्लिश अर्थ क्या होना चाहिए। पेइंग ए लॉट ऑफ मनी, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा भुगतान करना। तो किसानों के लिए काफ़ी अच्छा समय दूसरी हरित क्रांति के बाद की वो बात कर रहे हैं। इंडिया विल हैव सरप्लस फूड प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, यहाँ पर एक वर्ड आया है सरप्लस। सरप्लस का अर्थ होता है बचा हुआ। क्या अर्थ होता है? बचा हुआ। तो जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे है खाद्यान्न है हमारे, गल्ला है जैसे गेहूँ, अनाज, धान की खेती, तो ये हमारे खुद के दैनिक डोमेस्टिक कंसप्शन करने के बाद, डोमेस्टिक कंसप्शन का अर्थ होता है देसी खपत, मतलब हमारे देश में जितना उसका उपयोग होता है, जितना सेवन होता है, जितना उपभोग होता है, उसके बाद में हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें, सरप्लस बचे हुए को
एक्सपोर्ट कर सकें। आगे हैं, इंडियन एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विल बी अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। भारत की एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी जो है पूरे विश्व भर में बेस्ट होगी, ये विजन 2020 कह रहा है। आगे हैं, इंडिया विल कैपिटलाइज ऑन इट्स वास्ट मिनरल वेल्थ टू इमर्ज एज ए मेजर टेक्नो इंडस्ट्रियल ग्लोबल पावर इन वेरियस एडवांस एंड कमर्शियल मटेरियल सच एज स्टील एंड टाइटेनियम। देखो यहाँ पर एक वर्ड है इमर्ज, इमर्ज का अर्थ होता है प्रकट होना, जैसे प्रकट होना या कोई सी चीज़ ज़मीन में या दबी हुई है, छिपी हुई है, तो उसको बाहर निकलना या सबके सामने एक्सपोज होना, उसको इमर्ज कहते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर डाला हुआ है, देखिए इंग्लिश टू इंग्लिश इसका अर्थ क्या होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास बुक रखी हुई होगी और उस बुक को भी आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे। जैसे 6 नंबर है तो इमर्ज का अर्थ होता है टू कम आउट ऑफ ए डार्क कॉन्फाइंड आर हाइडन प्लेस, मतलब छुपी हुई जगह से बाहर आना, मीन्स प्रकट होना। जैसे कि स्टील और टाइटेनियम, तो इस क्षेत्र में भी हमारा देश जो है वो अग्रणी होता जाएगा। द इंडियन केमिकल इंडस्ट्री विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टेक्निकल इनोवेटर इन क्लीन प्रोसेस स्पेशली केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स बायोटेक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो वो कह रहे हैं कि भारत की जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, टेक्निकल इनोवेटर्स। इनोवेटर्स का अर्थ होता है प्रवर्तक या नए विचार प्रदत्त करने वाला, है ना। तो इन नए नए विचारों से नई नई चीज़ें जो हैं वह उसकी प्रोसेस जो है वो और साफ साफ होती जाएंगी, जैसे केमिकल हो, फार्मास्यूटिकल हो, बायोटेक हो या नेचुरल प्रोडक्ट्स हो। आगे 7 नंबर पर बढ़ते हैं, द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल बी मेजर नेशनल एंड वर्ल्ड प्लेयर इन ए मशीन टूल्स फाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म इक्विपमेंट। यहाँ पर एक वर्ड नया आया है फाउंड्री, इसका अर्थ होता है भट्टी। क्या अर्थ होता है? भट्टी, भट्टी या फिर इसको कह सकते हैं हम ढलाई खाना। जैसे कोई सी भी मेटल है, कोई सी भी धातु है, उसको भट्टी में तपा कर, है ना, उसको मेल्ट करके दूसरे प्रोडक्ट्स में परिवर्तित करना, तो उसको फाउंड्री बोलते हैं। देखो इस पर 7 नंबर डाला हुआ है, इंग्लिश टू इंग्लिश क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर, फैक्ट्री वेयर मेटल आर ग्लास इज मेल्टेड एंड मेड इनटू डिफरेंट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। जैसे कोई सी धातु और कांच को पिघला कर किसी दूसरे शेप में परिवर्तित करने की जगह, उसको बोलते हैं भट्टी या फिर ढलाई खाना, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, मैनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स विल बी डिज़ाइंड एंड मेड इन इंडिया, है ना। इंजीनियरिंग के बहुत से प्रोडक्ट जो है भारत में डिज़ाइन हो रहे हैं। इंडिया विल बी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बिंदु बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इंडिया विल इमर्ज एज ए ग्लोबल लीडर इन द सर्विस सेक्टर, है ना। सेवा क्षेत्र में या सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में भी भारत जो है ग्लोबल लीडर के रूप में प्रकट होगा, प्रोवाइडिंग एक्सलेंट सर्विसेज विद इन ए कंट्री एंड आउटसाइड। और इसकी जो उत्कृष्ट सेवाएँ हैं वह सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी प्रोवाइड की जाएंगी। आगे हैं, इन क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स इंडिया विल सेल्फ रिलायंट। स्ट्रेटेजिक का अर्थ होता है योजना, क्या अर्थ होता है? योजना सेक्टरों में भी भारत सेल्फ रिलायंट होगा, आत्मनिर्भर होगा। सेल्फ रिलायंट का अर्थ होता है आत्मनिर्भर। आगे बढ़े, थ्रू स्पीडी ग्रोथ ऑफ रोड्स रेलवेज टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्पीडी ग्रोथ मतलब तेज़ी से रोड रेलवेज टेली कम्युनिकेशन और बिजली, इनकी जो स्पीडी ग्रोथ हुई है, इंडिया विल हैव एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ डेवलपमेंट। एक विकसित राष्ट्र के लिए जो जो भी ज़रूरतें होती हैं उन सारी चीज़ों में हम स्पीडी ग्रोथ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज विल रीच ऑल पीपल। स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंचेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप यहां मार्क कर लेना, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स रिलेटिव क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ़।